हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आज हम लोग फोर्थ ऑफ नवंबर 2020 का न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए वो हम आज डिसाइड करेंगे वो हम आज देखेंगे सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम चूजिंग विच न्यूज़ टू रीड एंड विच नॉट टू सो दिस इज़ एन एफर्ट बाय अभिम्यूज़ टू हेल्प यू how to decide the news which news to read and which not to for the purpose of civil services exams to so 4th november ka newspaper agar hum dekhe on the first page states cannot make isolated plans for vaccine distribution to health ministry ne states ko ye instruct kiya hai कि ki वो center के साथ मिलकर coordinate करें कि किस तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी स्टेट्स अपने अलग से प्लान्स नहीं बना सकती सम स्टेट्स हैड स्टार्टेड अनाउंसिंग कि हम वैक्सीन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट द सेंटर हैज़ सेड दैट वट एवर द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी वुड बी इट हैज़ टू बी ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस एंड द स्टेट्स कैन नॉट टेक डिसीजनस इन आइसोलेशन तो ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी परस्पेक्टिव से फॉर द पर्पज ऑफ फेडरलिज्म और आज हमारे पास और भी कुछ न्यूज़ हैं जो फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं right. राइट सो फेडरलिज्म बीस सेंटर एंड स्टेट रिलेशन्स तो कैसे सेंटर स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है अंडर पार्ट इलेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स उसमें एग्जीक्यूटिव रिलेशन में आपका ये जो है न्यूज फॉल करती है दैट हाउ द सेंटर कैन इंस्ट्रक्ट द स्टेट्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग एंड हाउ दोज इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स उसके बाद द गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्टी अब ये न्यूज आपकी दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वन इज़ योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड सेकेंड इज योर पॉलिटी एंड इवन इन फैक्ट थर्ड इज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव अगर हम इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी वॉज एसेसिनेटेड बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नंबर टू आपका इसमें पॉलिटी का जो एंगल इन्वॉल्व है वो है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

और तमिलनाडु और श्रीलंका का क्या रिलेशन है और किस तरह से इंडिया श्रीलंका रिलेशन नाइनटीन एटीज में और नाइनटीन नाइन्टीज में रहे हैं ऑल दैट यू हैव टू एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज तो जो न्यूज हमें देखने में लगती है बेसिकली द बैकग्राउंड इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर द पर्पज ऑफ सिविल सर्विसेज जैसे ये न्यूज़ है ऑन द पेज नंबर टू सेलिब्रेट अ क्रैकर फ्री दीपावली अब एज सच दिस न्यूज़ डज नॉट लुक वेरी इंपॉर्टेंट

नाइट्रोजन uh, सोडियम ये कुछ कम होते हैं बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ टोटली पॉल्यूशन फ्री दे कॉज लेस पॉल्यूशन एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्रैकर्स सो ग्रीन क्रैकर एक्जैक्टली क्या हैं कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं दैट यू शुड राइट डाउन इन योर नोट्स जहाँ भी आप बना रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोज दट एयर क्वालिटी इंडेक्स इज गोइंग टू बी इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम ना बिकॉज इन डिसम्बर पॉल्यूशन इज अग प्रॉब्लम स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया तो ये आपकी न्यूज उस परस्पेक्टिव से आपको पढ़नी है देन ऑन द स्टेट्स पेजेस यू विल नॉट फाइंड मेनी सिग्निफिकेंट न्यूज एक ये न्यूज है ये आपकी जस्ट यू हैव टू रीड इट इसको कहीं नोट नहीं करना डेली केस टैली क्रॉसेज सिक्स थाउजेंड मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेली पहली बार डेली में एवरी डे केसेज जो पर डे केसेज हैं वो सबसे ज्यादा आए हैं बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि अभी जो इंडिया में पीक है वो हम हिट कर चुके हैं सेप्टेंबर में और अब केसेस जो हैं वो डाउनवर्ड पायरल की तरफ जा रहे हैं बट वाई दर राइजिंग इन समीन्स दैट इन सम प्लेसिज द सेकंड कैन सी द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस तो इस सेकंड वेव मैंने आपको पहले भी बताया था इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अमेरिका वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग लैक्स ऑफ केसेज इन जर्मनी इन स्पेन इन ऑस्ट्रेलिया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कुछ कंट्रीज ने तो लॉकडाउन भी दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परसपेक्टिव टू सी वेदर अ सेकेंड वेव इज कमिंग एंड इफ देयर इज अ सेकेंड वेव वट आर द रीजन फॉर इट साइंस के लॉजिक से उसका क्या रीजन है क्या टेम्परेचर में फॉल होना उसका एक रीजन है या इंडिया में फेस्टिव सीजन होना उसका एक कारण है तो यू शुड एक्सप्लोर दीज रीजन्स उसके बाद डायरेक्टली ओके दिस इज़ अ न्यूज़ पंजाब चीफ मिनिस्टर टू लीड एम एल एज धरना इन डेली टूडे तो पंजाब में रेलवेज़ के ऊपर एक ब्लॉकेट लगाई हुई है सेंटर ने पहले पंजाब के फार्मर्स ने रेलवे ब्लॉक की हुई थी अब सेंटर गवर्नमेंट ने रेलवेज को ब्लॉक किया हुआ है तो उसकी वजह से कोल सप्लाईज़ जो है पंजाब में पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं जिसकी वजह से ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स इन द स्टेट आर शट नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम पंजाब परसपेक्टिव बट ओवरऑल अगेन दिस इज़ द न्यूज़ दैट कंसर्नज फेडरलिज्म इन पॉलिटी तो कैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन आपस में डिसाइड होता है एग्जीक्यूटिव रिलेशन जुडिशियल रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन लेजिस्लेटिव रिलेशन वो सारा आपने वहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड हाउ दोज कन्फ्लिक्स कैन भी सोल्व वट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियर इन दैट एंड वट इज़ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इस परस्पेक्टिव से यह न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है फाइनली वी रीच द एडिटोरियल पेज अ फ्रेजाइल फ्रेंच रिपब्लिक ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आप पढ़ सकते हैं रिसेंटली जो फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून uh, पब्लिश हुआ था जिसकी वजह से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आउटरीज है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ़ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू फ्राम जो लोग यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दोज पीपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सोसाइटी फॉर सेकुलरिज्म कम्युनलिज्मॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं

जहां पर आपने वो न्यूज नोट की है वहां इसमें से एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन अ टॉपिक रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। नथिंग मच इंपॉर्टेंट हेयर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं सो एज आई टोल्ड यू आपको वो पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है देन यू कैन स्विच टू

पहली बार चार कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी इससे पहले तीन कंट्रीज़ किया करती थी ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वारडिलेटरल जो है ये एक रीजनल ग्रुपिंग बनकर उभर रही है टू कर्व द राइजिंग एग्रेशन ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट मालाबार 2020 फ्रॉम प्री एज वेल एज मेन्स पर्सपेक्टिव इसके जो मिशन हैं वो आपको पता होने चाहिए राइट देन लेट अस स्विच टू तो ये सारे पेजेस जो हैं आपको नहीं पढ़ने हैं ऑन द वर्ल्ड पेज अगेन देर आर न्यूज फॉर यू एस प्रेजिडेंशियल उसके रिजल्ट जब आएंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे दिस इज श्रीलंका रेस्क्यूज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्टैंडर्ड वेल्स एनवायरमेंटिकोलॉजी परसपेक्टिव से कोई भी वाइल्ड एनिमल या स्पीशीज जब न्यूज में आती हैं दैट दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट देन लेट अस स्विच टू द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस में एज आई टोल्ड यू देर आर ओनली अ फ्यू न्यूज जो आपको इंडियन एक्सप्रेस में से पढ़नी होती है तो इसमें से यू कैन डायरेक्टली स्विच ओवर टू द एक्सप्लेन पेज यू कैन डायरेक्टली स्विच टू द एक्सप्लेन पेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूज दैट द इंडियन एक्सप्रेस कैरीज आर रीजनल न्यूज सो ऑन द एडिटोरियल पेज हाउ एवर एक मंडल कमीशन के ऊपर आर्टिकल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोपेयरिंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आर्टिकल है इसको भी आपने नोट डाउन करना है फॉर योर इकोनॉमी नोट्स ये दो आर्टिकल्स हैं बस जो आपको पढ़ने हैं देन स्विच टू द एक्सप्लेनड पेज then there is economy page but nothing much important on economy page as well so nothing important on sports page also so this these are the news that you have to read for 4th of november 2020 do not forget to like subscribe and share this video as much as you can so that you can help others okay thank you and have a nice day